करेक्ट करना सीखते हैं। मान लो 10 एम्पियर आया, आई वन आई टू आई थ्री क्या होगा? आई वन आई टू आई थ्री क्या होगा? अच्छा, अब इसका पता है एक, चलो मैं पूरा इस सवाल को करके बताता हूं तुमको। पहले फर्स्ट मेथड जो बच्चे को करना चाहिए, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे सीखना। फर्स्ट मेथड क्या, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। 1 by r equivalent = 1/3 + 1/4, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूं, +1/5। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही। अब देखो तो अपन तो एक काम करते हैं ना, अपन तो एलसीएम में 1/r equivalent ये पूरा ही ले लेते हैं। 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 16, ठीक है। तो यह आया 20, 15, 12। हाँ सर, बिल्कुल सही, सही चल रहा है क्या? तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई? 60/35 + 12 = 47। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, 60/47। अब देखो, अगर ये आ गया तो इसके अक्रॉस 0 और V, ये आया 60/47, देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करूँ, ये 0 और ये V, तो V की वैल्यू क्या आई? IR यानी कि 10 × 60/47 यानी कि 600/47। अरे हाँ, अब सोचो I1 क्या है? I1 है 600, V = IR है ना? हाँ सही लग रहा है। तो 600/47 × 3 I1 की वैल्यू, तो 200/47। I2 की वैल्यू कितनी आई? 600/47 × 4। एक सौ पचास बटे सैतालीस। और I3 के लिए कितनी आई? 120/47, जो अपन कर रहे हो क्लियर है। क्या ये कहानी समझ आ गई? क्या ये आंसर आ गए? हाँ सर, क्या ये आंसर आ गए? ये प्रोसीजर है बेसिक। अब मैं आपको है ना थोड़ी सी एक टेक्निक सिखाता हूँ, सुने कैसे। जैसे पहले एक सवाल एक और कराता हूँ, तब तुम्हें वो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करके बताता हूँ, ध्यान समझना। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये है 3 ओम और ये है मान लो 7 ओम, ठीक, और यहाँ से करंट आ रहा है मान लो 11 एम्पीयर। अब अपने को I1 I2 निकालना है, तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे अपन जैसे अपन ने ये करा है। एक बात समझना, ये 0 और V, क्या अपन बोल सकते हैं I1 = I2? अरे हाँ सर, I1 = I2 क्या लिखा जा सकता है? V/3 = V/7, यानी कि क्या I1 = I2 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/3 = 1/7? लॉजिकली सोचो तो 1/R1 = 1/R2। अब इस रेशो को है ना ध्यान से सोचो तो बढ़िया रेशो में कन्वर्ट कर लो, I1 = I2, तो सोचो इसे लिख सकते हैं 7:3। अरे हाँ, अब सोचो क्या I1 / I2 = 7/3, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड अगर कभी सुना हो तो I1 + I1 + I2 = 7/10। अच्छा, I1 + I2 क्या है? यानी कि I1 / 11 = 7/10, यानी कि I1 की वैल्यू आई 77/10। अच्छा, ऐसे I2 की वैल्यू क्या आई? I2 की वैल्यू 3/10 यानी कि 33/10। ये कैसे लिखा? सुनना अच्छे से। जैसे ये आए ना, I1 लिखने का तरीका सुनो। I1 = ध्यान से समझना, I1 = ये पहली टर्म 7/10 का समेशन यानी कि 10 × टोटल करंट 11। ऐसे ही I2 क्या ध्यान से सुनना, सेकेंड टर्म 3 × टोटल समेशन 10 × 11। तुम अपने तरीके से करके देखो, यही आंसर आएगा। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, समझो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि I1 = I2 = I3 = I4 जो भी है उसको लिखो, उनमें 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 लिखो,
उनको एक अच्छे से रेशियो में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर पहली टर्म अपॉन टोटल समेशन इनटू टोटल करंट, फिर दूसरी टर्म अपॉन टोटल समेशन इनटू टोटल करंट। आंसर देख, ये गंदा सा आंसर है ना, देख इसको एक लाइन में करके बताता हूं, तेरे को फील आई पहले इसको करके बताता हूं, देख ध्यान सुनना। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं जो शॉर्ट ट्रिक सीखी, आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री इज टू वन बाई फोर इज टू वन बाई फाइव। अब खुद सोचो, अच्छे रेशियो में कन्वर्ट करो तो इसको क्यों ना 60 से मल्टीप्लाई कर दे, तभी अच्छा रेशियो आएगा, तो आएगा 20, अरे हाँ, और 20 इज टू 15 इज टू 12, अरे हाँ सर आ गया। अब देख आई वन डायरेक्ट लिखना है, कैसे, 20 बाय टोटल सम, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47 इंटू टोटल करंट 10, तो पहला आंसर 200/47। और रे वाह, आई टू देख, और रे जादू है सर ये तो, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, और रे हाँ शॉर्ट ट्रिक काम करती है सर, बिल्कुल करती है। क्या करना है, आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री, वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू इज टू वन बाई आर थ्री, रिजॉल्व देम इनटू अच्छा रेशो, फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल सम इनटू टोटल करंट, दूसरा आई टू दे 15/47 इंटू 10 डायरेक्ट 150/47, पीछे भी तो यही आ रहा था, आई थ्री 12/47 इंटू 10 120/47। एक एक लाइन में आंसर आ गया, जो हमने पीछे इतनी मशक्कत करी थी जिसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा थे, उससे तो ये बहुत छोटा है। अरे हाँ सर, बोल क्या ये ट्रिक समझ आई है, अरे क्या ये ट्रिक समझ आई है, अरे बोलो भाई क्या ये ट्रिक समझ आई है, कौन सी ट्रिक, डिवाइडेशन ऑफ करंट इन पैरेलल, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चे कैलकुलेशन गलती करते हैं, ये पहला मेथड, बेसिक मेथड जो बच्चे करते हैं, मैं बेसिक से करने की बजाय आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं। देखो यही टू वाले में भी ट्रिक लगाई थी, अरे हाँ सर बात तो आप करा कुछ नहीं, आई वन बाई टू सेवन बाई थ्री लिखा ना, अब कंपोनेंट डिविडेंड लगा लिया, आई वन बाई वन प्लस आई टू तो 7/3 नीचे 10, तो आई वन बाई आई वन प्लस आई टू तो 11 हो गया ना, तो पता पड़ गया, ऐसे आई टू भी लिख लेते, अरे हाँ, तो उसको मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, क्या करा, आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री इज वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू इज टू वन बाई आर थ्री, रिड्यूस दिस वन बाई आर वन इज टू आर टू इंटू वन बाई इज टू वन बाई आर थ्री को अच्छे रेशो में, फर्स्ट टर्म टोटल समेशन इंटू करंट, सेकंड टर्म टोटल समेशन अपॉन इंटू करंट, ट्रिक आंसर। अरे हाँ, है वो मैथ्स ही बैकएंड पे, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आनंद आया है, हम क्या सीख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, वोल्टेज डिवाइड करना सीरीज में बहुत आसान था, पर करंट डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है। क्या ट्रिक समझ आई है, ओ हो, करंट बता दो, करंट ट्रिक से बता दो, ट्रिक से बता दो, 4 और 3 में कितना करंट जाएगा, गलत मत करना, तुम कर सकते हो फटाफट, आई वन आई टू क्या होंगे, यहां मत देखो सर, आई वन इज टू आई टू इज सर 1/4 इज टू 1/3 सर, यानी कि सर 3:4 सर, यानी कि आई वन की वैल्यू सर 3/7 इंटू 7, अरे हाँ, और आई टू की वैल्यू सर 4, सही तो कर रहा हूं ना मैं, हाँ 4/7 इंटू 7, ओ हो हो 3 एम्पियर 4 एम्पियर आंसर, ओ हो हो ओरली, अरे हाँ, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर।